ला हम लोगों ने उसका प्रूफ देखा, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके लिए हम क्या मेथड अडॉप्ट करें जो इजीली हम उसको कर सकें, तो उसको हम लोगों ने देखा। उसी पे आधारित ये भी प्रॉब्लम है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी एक बार हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ ए आई आर कॉम्पोनेंट ऑफ एन ऑर्बिटरी कंटावेरियंट वेक्टर, तो फर्स्ट ऑर्डर का जब टेंसर रहता है तो उसी को वेक्टर कह देता है, तो यह ए आई आपका कंपोनेंट है, एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स ऊपर है इसलिए कंट्रावेरिएंट वेक्टर का। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये आया कि वह कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, ये कंट्रावेरिएंट कहा, उससे हमको क्या मिल गया कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। जिसको टेंसर कह दे वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जिसको टेंसर दिखाना हो उसको हमको दिखाना पड़ता है कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, सी आई जे ए आई ए जे ये क्वांटिटी दी गई है, और कहा जा रहा है कि एन इन वेरिएंट, ये इन वेरिएंट है, तो कोई भी टेंसर या कोई क्वांटिटी इन वेरिएंट है, इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी जो वैल्यू है दूसरे में भी वही होगा। ठीक है, ये तो हमारा एक्स आई में ये जो इसकी वैल्यू है वही हमारा एक्स बार में भी होगा, चाहे दूसरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो दूसरे में भी यही होगा, उसमें नोच है। तो करना क्या, ये तो दोनों चीज़ें दी गई है कि ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यह स्केलर इनवेरिएंट है तो ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा तो वही रहेगा। तो करना ये है कि सो दैट सी आई जे प्लस सी जे आई, यानी यही जो सी आई जे आया है उसी को कह रहा है कि सी आई जे और इसको इंटरचेंज कर दो, यानी जे पहले आई और इसका सम करो तो वो भी कंपोनेंट हो एक कोवेरिएंट टेंसर का जो सेकेंड ऑर्डर का हो, यानी जो अभी एक टेंसर होगा और सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो जिसको दिखाना है टेंसर क्या करना पड़ेगा उसको, वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर ले, यदि हम दिखा दिए तो टेंसर हो गया, तो ये में यही है। लेकिन उसे हमको पाएंगे कैसे, जो हमारे पास दिया है उसके हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन आपका यह दिया गया है कि यह इन वेरिएंट है, तो यह इन वेरिएंट है तो जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वही हमारा दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी होगा। अब आप देखो ये हमारा एक एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो जब तक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और नहीं लेंगे तब तक जिसको टेंसर दिखाना वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा दो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और लाओ। तो सिंस सी आई जे ए आई ए जे इज इनवेरिएंट वी हैव, अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स आई में है, अब एक दूसरा एक्स बार में भी इसको लिख लो, तो एक्स बार में लिख लिया तो हमने सपोज किया कि यह सी बार आई जे ए बार आई, और यह ए बार जे इसकी वैल्यू सी आई जे ए आई और ए जे। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसको दिया है कि वो इनवेरिएंट है, तो जो इनवेरिएंट है उसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखोगे सेम वैल्यू देगा, तो हमारा जो एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वही होगा जो एक्स आई में है। तो अब इतनी चीज हमने लिख लिया, अब आपको करना ये है जो एम है उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ो। हमें करेंगे कि यह सी बार आई जे, हमको जो टेंसर दिखाना है उसमें कहीं ए नहीं है और इसमें हमारा ए का टर्म है, तब तुम क्या कर लो कि सी बार आई जे ये एक्स बार में है और यह सी आई जे ये हमारा एक्स आई में है, तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए तुम्हारा एक्स बार में जो है उसको छोड़कर कुछ होना चाहिए, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का ध्यान दो, तो जो एक्स बार में है
उसको छोड़ करके यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसमें जो ये है वही है। तो अब हम क्या करें, ईसाई और जीव को छोड़ करके दूसरा लिखें, तो देखें कि हम दूसरा लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो देखो, एक आई यहाँ और यहाँ दोनों में डमी है, तो डमी को हम जो चाहे लिख सकते हैं, ये जेड डमी है, इसको हम जो चाहे लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको लिख दिया सी, आई को ए में चेंज कर लिया ए, और जे को बी में चेंज कर लिया। अभी आई और बी ही लिखो, कोई जरूरी नहीं है, आई जे नहीं होना चाहिए, उसको जो छोड़ करके लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अब देखो, सी आई जे और यह ए आई और यह ए बी, ये अलग अलग है, तो यह ए ए और ए बी ऐसा लिखा। तो इसको ए वेरिएंट है इसलिए ये होगा, और इसको लिखा क्यों, इसलिए कि हमको दो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, इसको लाया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए। अब ये लाया ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करे, उसके लिए हमको जो ये इंडेक्स है उसको छोड़कर यहाँ चाहिए। तब चूंकि ये आई और जे दोनों डमी है, तो आई और जे को छोड़ करके दूसरा डमी हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक डमी के इक्वल होता है, ये हमने लिख लिया। अब आप देखो, इसमें जो तुम्हारा सी आई जे और यह ए बार आई और ए बार जे है, तो अब तुमको केवल सी बार आई जे चाहिए, इसमें लाने के लिए ए का कोई टर्म नहीं, तो हमको ए बार आई और ए बार जे इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए जिसको भी हमको हटाना हो, कोशन तला से लेकर के और इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, सबको जिसको हटाना है उसका ये कहीं वर्ग कि देखो कि इसके करस्पॉन्डिंग, यदि इसको हमको हटाना है तो इसी के करस्पॉन्डिंग देखो एक्स आई में क्या आया है, तो यह ए ए है, तो इसका चूंकि ए टेंसर दिया है, ए टेंसर दिया है, इसलिए यह ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तब इसकी वैल्यू को एक्स बार में इतने के टर्म में बदल, और इसको इसके टर्म में बदल। ऐसा करने से होगा क्या कि जब यह भी ए बार आई और यह ए बार जे दे देगा, तब दोनों को एक साइड लोगे तो कॉमन आ जाएगा, और जब कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट और वो कॉमन, ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो, और चूंकि यह आर्बिट्री दिया है उसलिए जीरो ही हो, हम नहीं लिख सकते, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो जीरो और नॉन जीरो सबके लिए सही हो, ये तो पॉसिबल होगा जब ब्रैकेट वाला हो। ये वर्क पहली बार नहीं कर रहे हैं, कोशेंट ला के प्रूफ से पीछे के जो दो प्रॉब्लम किए गए हैं सब में इसका यूज किया गया। जिसको टेंसर दिखाना है उसके बाद के जो उसमें टर्म आए हुए उसको हमको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने का तरीका यह है कि इसके करस्पॉन्डिंग देखो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, तो इसको ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से इसके इक्वल बनाओ। तो अब उस वर्क को करो, तो सिंस ए आई इज ए कंटाबरियन वेक्टर बाय ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बाय ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव, क्या लिखेंगे, इसको लिखना है और किसके टर्म में लिखना है, इसके टर्म में लिखना है। तो जिसको लिखना है पहले उसको लिखो यह, और किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, तो यह एक्स बार में, तो यह ए बार। अब हम ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, आप देखो यह ए आई दिया गया, तो इसका मतलब यह केवल आई रहेगा तभी, ये नहीं कोई कंटावेरिएंट वेक्टर रहे वो सबके लिए, तो यह आई रहे ए रहे बी रहे कुछ भी रहे, एक होना चाहिए, अब कंटावेरिएंट में होना चाहिए, तो ये हमारा आ गया। तो यह ए ए, अब लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यह टेंसर दिया है फर्स्ट ऑर्डर का, ये वेक्टर दिया है, तो लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करेगा, तो उसको लिखो। तो यह ए है, ए को छोड़कर कुछ लिखते हैं, तो अब हम जो यहाँ है वही लिखेंगे, तो यह आई, अब यह डेल एक्स ए और अपॉन डेल एक्स बार आई, यह तो ए ए को लिखा। सिमिलरली इसको भी हमको
ए बार जे के टर्म में लिखना है, सिमिलरली अब यह है ए बी है, इसको लिखना है ए बार जे के टर्म में, तो यह है ए बार जे। अब यह हमारा कंट्रावेरिएंट वेक्टर है फर्स्ट ऑर्डर का, तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए वो लाफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यह बी के अतिरिक्त तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमको जो यहाँ चाहिए उसको लिखा, और तब यह डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे ए आ गया। अब इन्हीं की वैल्यू को जो यह सी बार आई जे ए बार आई ए बार जे है, इसको हमने वन ले लिया। अब यह ए ए और ए बी की वैल्यू इसके टर्म में लिख लें, तो हम पुटिंग दी अबव वैल्यू, पुटिंग द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन वन we find c bar i j a bar i a bar j, और यहां से c a b, और यह इसकी वैल्यू यहां से a bar i डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई, और यह ए बी इसकी वैल्यू ए बार जे, और यह डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे, ऐसा है। क्या इसी को हम लिख सकते हैं सी बार आई जे ए बार आई ए बार जे, और यह सी ए बी ए बार आई ए बार जे डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे, ऐसा हमने लिख लिया। तो यदि आपको केवल इतने को टेंसर दिखाना होता तब तो तुम क्या करते कि इसको इधर ट्रांसपोज करते और ए बार आई और ए बार जे कॉमन हो जाता, और तब जो ब्रैकेट में आता वो हमारा जीरो हो जाता, वो लाफ ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार सही दिखा देते। लेकिन केवल सी बार आई जे को नहीं दिखाना है, हमको सी जे आई को भी दिखाना है। तब तुम ए इसको ये वन आया था, इसको तुम टू कर लो, और इसमें तुम क्या कर लो कि आई और जे में इंटरचेंज कर लो, आई और जे में इंटरचेंज। तो जब इंटरचेंज करोगे तब इंटरचेंजिंग आई आई जे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी, देखो क्या किया गया, आई और जे में इंटरचेंज करो और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए और बी है उसको करो, तब देखो यह सी बार जे आई, यानी जहाँ आई है वो जे और जो जे है वो आई, तो यह ए बार जे और ए बार आई, ये हो गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो सी बी ए, और यह ए बार जे ए बार आई डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे और डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, आई और जे में तो हमको इंटरचेंज करना है, अब इस बात को थोड़ा सा क्लियर करो, आई और जे में तो इंटरचेंज करना है, क्यों करना है, क्योंकि इसको इंटरचेंज करके फिर सम करना है। तो अब आप देखोगे कि यह सी बार आई जे में इंटरचेंज किया, ये आई था जे हो गया, जो जे था आई आ गया। अब यहाँ फिर से तुम्हारा यह ए बार यह जे हो गया, ए बार आई हो गया,
आपका यह जे होता ए और बी को इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं, इसमें इंटरचेंज करने के लिए ए और बी को इंटरचेंज करें जरूरी नहीं है, लेकिन किया क्यों गया है उसके पीछे रीजन ये है कि देखो यदि तुम यहाँ करते और यह डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार ये जे हो जाता, यह जे होता और ए और बी को नहीं करते, उस स्थिति में डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई यहाँ है और डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार जे यहाँ होता, ठीक है। तो आगे अभी हम ऐड करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट हो जाता क्योंकि कामन तो तब होगा जब दोनों सेम आएगा। तो यदि यह डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार जे होता और यह डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे, तब ये कामन नहीं आ पाता, ठीक है। ये तो अब इसको कामन लाने के लिए कि जो ये है वही आवे, तो हमने ए और बी को भी इंटरचेंज, ठीक है। ये तो ऐसा हमने कर लिया। तो अब आप क्या कर लो कि इसी में ये हमने यहाँ से अब सी बार आई जे और सी बार जे आई, ये दोनों मिल गया। अब इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, तो एडिंग टू एंड थ्री, एडिंग टू एंड थ्री वी गेट, ऐड करो। तो अब देखो ए बार आई और ए बार आई, ए बार जे दोनों में है, तो चूंकि ये इंडेक्स नहीं है तो उसमें हमको सिमेट्रिक इसकी, या तो एक टेंसर चाहे इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, इसके बारे में परिवर्तन नहीं। तब इसमें तुम सी बार आई जे प्लस सी बार जे आई और ए बार आई ए बार जे, ये हमारा कमर, ठीक है। ये अब आप देखिए यहाँ से सी ए बी प्लस, अब बाकी को सब तुम्हारा कॉमन होगा, जैसे ए बार आई ए बार जे और इधर है लेकिन ये सेम है, डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे, डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई, दोनों सेम है। तो इसको जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, तो यह सी ए बी प्लस सी बी ए ऐसा हुआ, और तब यह ए बार आई ए बार जे और यह डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे, जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लिया। अब तुमको इसी को टेंसर दिखाना है, ये चीज नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इन दोनों को तो इक्वल हम कर चुके हैं, वो ये था बी था, लेकिन आई और जे इसको हटाने के लिए किया गया। अब सबको एक साइड में लाओ, तो एक साइड में लाओगे तो ये पार्शियल इसमें नहीं है, इसलिए ये पार्शियल कॉमन नहीं होगा, लेकिन ए बार आई ए बार जे और ए बार आई ए बार जे ये कॉमन हो जाएगा। तब हमारा यह सी बार आई जे प्लस सी बार जे आई और माइनस सी ए बी प्लस सी बी ए और यह डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे, यह हमारा कॉमन आ गया ए बार आई ए बार जे इज इक्वल टू जे, ऐसा आ गया। तो जिसको हटाना होता है यही करते हैं कि दोनों साइड में सेम करो और एक साइड में करके उसको कॉमन ले। तो चूंकि इसका और इसका प्रोडक्ट जीरो है और क्वेश्चन में दिया गया कि हमारा आर्बिट्री है, ए आर्बिट्री है और वही चीज यह भी है, यह भी है, तो ये आर्बिट्री है और आर्बिट्री को जीरो ही ले ये आवश्यक नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके हर वैल्यू के लिए ये प्रोडक्ट जीरो हो, ये तभी पॉसिबल है कि यह जीरो, क्योंकि ये जीरो रहे तो इसको जीरो ले तो नॉन जीरो ले तो सबके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो सिंस ए बार आई इज इनवेरिएंट हो आर्बिट्री, इनवेरिएंट नहीं आर्बिट्री, इज आर्बिट्री वेक्टर
is arbitrary vector. This implies C bar ij plus C bar ji minus C A B plus C B A del X A upon del X bar I del X B upon del X bar J is equal to 0. यदि ये ब्रैकेट का जीरो रहे तो ये आर्बिट्री है, तो कुछ भी रखोगे जब जीरो है प्रोडक्ट जीरो दे दे। तो अभी आ गया, अब इसमें एक्स बार का ये दिखाना है कि ये लाग ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे, तो एक्स बार एक तरफ और एक्स आई और पार्शियल एक तरफ करते हैं, तो दिस इंप्लाई सी बार आई जे प्लस सी बार जे आई इज इक्वल टू सी ए बी प्लस सी बी ए और यह डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू ए इक्वल के उधर कर चुके हैं इसलिए जीरो नहीं रहेगा। और ये आया, हम देखे कि ये लाग ट्रांसफॉर्मेशन से सही है कि नहीं है, तो सी बार आई जे तो वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग ए और जे के कॉरेस्पॉन्डिंग बी आया है, अब ये इंटरचेंज हो गया है, तो आई के करस्पॉन्डिंग यहाँ ए है तो देखो आई लास्ट में है तो यह ए लास्ट, जे के करस्पॉन्डिंग जे है तो जे पहले है तो यह बी पहले, तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग एक्स आई में सेम वैल्यू आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव, तो जो आपका ए है ए ये नीचे आपका आई है तो यह डेल एक्स बार आई नीचे और आई के करस्पॉन्डिंग ए है तो ए हमारा डमी, एक्स बार जे नीचे है तो एक्स बार जे और हमारा बी डमी, तो ये हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। और ये इंडेक्स नीचे है तो ये कोवेरिएंट होगा, तो ये हमारा कोवेरिएंट, और कितने आर्डर का होता है जितने फ्री इंडेक्स या जितने पार्शियल डेरिवेटिव, तो दो पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए सेकेंड आर्डर का कोवेरिएंट टेंसर होगा और यही हमको दिखाना था। ठीक है, ये दैट इज सी आई जे प्लस सी जे आई इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोगों ने कोसेंट ला, उसका प्रूफ और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम, कुछ प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम के साथ साथ हमने ये भी समझा कि उस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, इस वर्ग को हमने समझा है। अब इसके बाद एक आगे आपका डिफिनीशन है रेसिप्रोकल टेंसर, तो रेसिप्रोकल टेंसर क्या है पहले इसको समझ लो। तो हम कोई एक टेंसर जिसको डिनोट किए जी से और एक कंटावेरिएंट सेकेंड ऑर्डर का है जी, पहले कोवेरिएंट लो, कोवेरिएंट ए जी आई जे एक कोवेरिएंट सेकेंड ऑर्डर का सिमेट्रिक टेंसर लिया गया, यानी ये हमने लिया जी आई जी ए, ये सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और यह जी आई जे ऐसा है कि इसका डिटर्मिनेंट 09, डिटर्मिनेंट 09 इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है तो इसका पहला कंपोनेंट G11, दूसरा कंपोनेंट G12, ऐसे G11, G21, G22 और यह G2n और फिर यह GN1, GN2 और GNn, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो ये 09 आवे, क्योंकि रेसिप्रोकल टेंसर हम जी आई जे का डिफाइन करने जा रहे हैं, तो जिस टेंसर का रेसिप्रोकल टेंसर डिफाइन करना है उसका जो डिटर्मिनेंट हो वो नॉट इक्वल टू जीरो, तब इसका रेसिप्रोकल टेंसर कैसे डिफाइंड है, तो रेसिप्रोकल टेंसर ऑफ जी आई जे इज denoted by
denoted by GIJ and defined as GIJ. अब देखो इसका क्या है, यह GIJ यानी इस टेंसर का रेसिप्रोकल टेंसर ऐसे डिनोट करेंगे, यानी ये को वेरिएंट में है और उसको हम कंट्रा वेरिएंट में डिनोट करेंगे। तो ये तो नोटेशन है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगा? तो इसकी वैल्यू होता है को फैक्टर ऑफ GIJ इन डिटरमिनेंट GIJ अपॉन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब इस चीज को समझ लो एक बार, क्या हुआ रेसिप्रोकल, यह GIJ सेकेंड ऑर्डर का कोई सिमेट्रिक टेंसर है जो कोवेरिएंट है, और ये इस तरह से कि इसका जो डिटरमिनेंट है इसके कंपोनेंट है, यानी आई को रो ले लिया पहला रो, दूसरा रो एनवा रो, और जे को कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और ए एन एफ कॉलम, ऐसा हमारा हो गया। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0-9 हो तभी हमारा इसका रेसिप्रोकल टेंसर डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब इसका रेसिप्रोकल टेंसर क्या हुआ, तो जैसे GIJ ऐसे हुआ, तो इसकी वैल्यू ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट में लिखा तो है, और यह जी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, चूंकि ये नॉन जीरो है तो कुछ ना कुछ आएगा, तो जो आया उसी को स्मॉल जी ऐसा डिनोट किया गया। अब ये वैल्यू कि देखो जब यह GIJ जब कंट्रा वेरिएंट में लोगे तो इसके भी यन स्क्वायर कंपोनेंट आएंगे, इसके भी, इसका कंपोनेंट क्या, जैसे इसको रो लिए उसको कालम, तब तुम्हारा G11 यहाँ आएगा, G12 यानी इसके जो कंपोनेंट आएंगे यह GIJ का, तो ये वैल्यू आएगा G11 G12 G1n G21 G22 G2n और यह GN1 GN2 और GNn ये आएगा। तो आप क्या करोगे कि सब की जैसे तुमको G11 निकालना हो, G1 तो यदि G11 यह निकालना होगा तो इसकी वैल्यू जो यह G11 है, यानी अब यहीं से देखो यह जब G11 इसका मतलब वो फैक्टर ऑफ G11 इन डिटरमिनेंट GIJ, अब इसका मतलब ये होगा इस डिटरमिनेंट और अपान द वैल्यू ऑफ जी। अब इसको समझो क्या है कि जब G11 कंट्रा वेरिएंट पे लोगे तो यह G11 का रेसिप्रोकल टेंसर, और इसकी वैल्यू क्या होगा कि इस G11 का को फैक्टर लो तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो जो बचा वह वैल्यू, और अपान टोटल इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो, तो जो ये आया इस G11 का यह रेसिप्रोकल टेंसर हुआ। ठीक है, ये रेसिप्रोकल। ऐसे यदि आपको G12 यह लेना हो तो को फैक्टर आप G12 यानी यह G12 ये है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो जो बचेगा वो इस G12 का को फैक्टर होगा, और उसमें फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तब जो आया वो हमारा G12 हो जाए। ऐसे जितने भी है G11 G12 जब हमको G1n निकालना होगा तो यानी G1n का को फैक्टर, तो यह रो और यह कॉलम जो आया डिटरमिनेंट उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा G1n आ गया। इस तरह से जनरल, हाँ ये लेंगे इसमें को फैक्टर, यहाँ नहीं लेंगे, ये G1n इसका को फैक्टर यानी इस रो इस कॉलम का जो आया उसमें इसके डिटरमिनेंट से वैल्यू रखो तो वो हमारा आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अब जनरल इसी को पर्टिकुलर में किया गया। जनरल क्या हुआ कि इस डिटरमिनेंट में एक तुम सपोज कर लो आईथ रो फर्स्ट कॉलम, आईथ रो सेकंड कॉलम, और ये आईथ रो जीएथ कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो जीएथ कॉलम, सेकंड रो जीएथ कॉलम, आईथ रो जीएथ कॉलम, ये आईथ रो एनथ कॉलम।
अब ये जनरल, अब इसी में तुम बदलते जाओगे तो हमारा सभा आता जाएगा। तो अब इसके को रेसिप्रोकल टेंसर को ऐसे डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू इसका को फैक्टर, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, जो आया डिटर्मिनेंट उस डिटर्मिनेंट में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो हमारा जनरल यह जी आई जी आ गया। तो इस तरह से किसी भी कोवेरिएंट टेंसर का रेसिप्रोकल जो होगा वह रेसिप्रोकल उसी डिटर्मिनेंट में उसी एलिमेंट का कोफैक्टर में उस पूरे डिटर्मिनेंट से वैल्यू डिवाइड कर दो तो उसका रेसिप्रोकल टेंसर आ गया। तो अब आप रेसिप्रोकल टेंसर समझ गए। अब एक रिजल्ट जिसका आगे क्वेश्चन में हम लोग को बहुत यूज करना है वो इसी से आएगा, उस चीज को आप एक बार ध्यान दें कि वो रिजल्ट कैसे आएगा। कि जैसे देखो यह जी आई जे है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे आप समझोगे, यह आईथ रो जीएथ कॉलम का एक एलिमेंट है। अब तुमने क्या किया कि यह जेएथ कॉलम और केएथ रो एक चेंज करेंगे, ऐसा नहीं। अब इस चीज को देखो आईथ रो जीएथ कॉलम का यह एलिमेंट है और जो रेसिप्रोकल टेंसर है वो आईथ रो केएथ कॉलम का है, तो इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या देगा इसको हम लोग को डिटरमिन करना है, क्योंकि ये रिजल्ट जनरली आएगा, वैल्यू क्या होगा वो तो जान लो, जो यूज करने के लिए कैसे होगा ये आगे बता रहे हैं। कि यदि यह आईथ रो जीएथ कॉलम का एलिमेंट है और यह आईथ रो केएथ कॉलम का ये रेसिप्रोकल टेंसर, ये रेसिप्रोकल टेंसर है, तब इन दोनों की जो वैल्यू आता है, जो ठीक है ये आई हमारा सेम है, आई सेम है, ये आई समाप्त हो जाएगा और जो बचा वही हमारा क्रोनेकर डेल्टा दे देगा। तो आगे क्वेश्चन जब आएगा और ऐसा आए हम इसको लिख दे तो तुम्हारे मन में जाएगा कि आया कहाँ से, तो कैसे आया इस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन अब इस चीज को बार बार नहीं बताया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना होगा और उसका हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो अब देखो ये कैसे वैल्यू आएगी, ए आपने रहने दिया, ए रेसिप्रोकल टेंसर है, तो रेसिप्रोकल टेंसर इसकी वैल्यू लिखो तो क्या आएगा, आईथ रो केएथ कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर और अपान द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तभी आया हमारा इसकी वैल्यू ए को फैक्टर ऑफ जी आई के, को वेरिएंट जी आई के इन डिटर्मिनेंट जी आई के अपॉन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कोई प्रॉब्लम इसका? अब हम लोग जहां टेंसर को स्टार्ट किए थे वहां को बताया कि एलिमेंट को आईथ रो जीएथ कॉलम इससे डिनोट किए और उसके को फैक्टर को डिनोट कर लेते हैं इस फार्म में, ठीक है ये। तो अब क्या कर लो, यह आईथ रो और केएथ कॉलम के को फैक्टर को हमने ले लिया, यह जी आई जे और यह जी के आई जे आई के और अपान द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ये। अब एक चीज हम लोग स्टार्ट में ही इसको किए थे कि अब देखो यहाँ से इस वैल्यू को जी आई जे और यह जी के आई इस फॉर्म में लिखा डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसी पर ध्यान दो। जब तुम जानते हो कि कोई एलिमेंट रहे और जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट हो, यदि उसी रो उसी कॉलम के को फैक्टर से जब प्रोडक्ट होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है, स्टार्ट में ही आया हुआ है, और जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है उससे हट के दूसरे रो के और को फैक्टर आता है तब उसकी वैल्यू जीरो आता है, ये पीछे किया जा चुका है।
तो जब यह आयत रो जीत कालम का एलिमेंट और आयत रो जीत कालम का को फैक्टर रहेगा तब इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू जी आएगी। और यदि ये आयत रो जीत कालम है और कियत रो आयत जीत आयत कालम का ये हमारा को फैक्टर हो गया यानी ये डिफरेंट हो गया तब वो वैल्यू हमारा क्या देगा जीरो देगा। तो इन दोनों रिजल्ट को एक साथ लिखना होता है तब हम इसी को लिखेंगे यह जी और क्रोनेकर डेल्टा यह जे के इस चीज को समझो ये क्या है कि जब यह जे के इक्वल के हो गया तो जिस रो जिस कालम का एलिमेंट उसी रो उसी कालम का कोफैक्टर तब यह वैल्यू जी देगा और जब यह जे के दोनों इक्वल हो गया तो ये वैल्यू वन दे देगा और तब यह जी हमको मिल जाएगा ठीक है ये। लेकिन यदि ये आयत रो जीत कालम का एलिमेंट है और आयत रो किया यानी कियत रो और आयत कालम का ये हमारा को फैक्टर है तब ये वैल्यू हमको जीरो दे देगा। तब जब यह डिफरेंट होगा तो ये जीरो देगा जीरो में जी से प्रोडक्ट करोगे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में आ जे और के इक्वल तब इसकी वैल्यू जी। तो जो ये लिखा गया तो जे और के इक्वल तो यह वन तो जी आ गया और जब यह जे और के डिफरेंट तो ये वैल्यू जीरो और क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी है जे और के डिफरेंट तो ये जीरो तो जीरो में जी का प्रोडक्ट यानी इस रिजल्ट को हम इतना लिख सकते हैं और यह जी आपका बचा हुआ है यह जी आपका बचा हुआ है जी से जी कैंसिल क्रोनेकर डेल्टा जे की ये जो पार्ट है आपका कैंसर का जो पहले दिन का हम लोगों ने वर्क किया है उसी में सारी चीज़ें आई हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसको एक बार आप देख सकते हैं तो ऐसी वैल्यू है। तो अब हमारा यहाँ से हमने कैलकुलेट किया ये वैल्यू है लेकिन अब फर्दर हम जब यूज करेंगे तो यदि हमारा जी आई जे एक कोई कोवेरिएंट टेंसर है और ये रेसिप्रोकल टेंसर है और तब दोनों का जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे यानी ये दो वैल्यू जब ये सेम आ जाएगा तब हमारा जो बचेगा उसी का क्रोनेकर डेल्टा दे देगा ठीक है ये। तो ये रिजल्ट कैसे आया इसको हमने आपको बताया। अब सीधे यदि इस तरह का रहेगा तो प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे और उसको कैसे आया ये हमने समझा दिया है। तो कैसे करेंगे इसको एक बार हम लोग समझते हैं। ये कहा गया कि जी आई जे यदि कोई सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर है तो यह जी आई जे इसका रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर है। तो हमको ये दिखा देना है तीन इसी पर आधारित क्वेश्चन है जिसमें पहला कि यह जी आई जे और इसका रेसिप्रोकल टेंसर ये है तो इसकी वैल्यू यन होगा ऐसा हम लोग को दिखाना है। तो यह दिखाने के लिए अभी जो वर्क हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों ने देखा कि सिंस जी आई जे और यह जी आई के इस फॉर्म में रहे इस बात को ध्यान दो अभी जो किया गया जी आई जे और जी आई के यदि ऐसा रहता है तो जो सेम वैल्यू है वो हट जाता है और जो बचा वो हमारा क्रोनेकर डेल्टा में आता है। अब तुम क्या करो कि चूंकि तुमको जो दिखाना है वो ये के नहीं है ये भी हमारा जे ही है तब तुम टोटल में सब्स्टिट्यूट कर दो के इक्वल टू जे तो पुटिंग के इज इक्वल टू जे वी हैव जी आई जे और यह जी आई जे के को भी हमने जे रखा है तो यहाँ से ये वैल्यू क्रोनेकर डेल्टा यह जे और जे ऐसा ठीक है। अब आपको बताया गया कि कोई टेंसर हो तो जो डमी होता है वो समेशन देता है तो जब समेशन देगा तो इसकी वैल्यू यह डेल वन वन प्लस डेल टू टू प्लस डेल थ्री थ्री और ये एन डायमेंशन में है तो डेल एन या जब डायमेंशन नौ को है तो उसको यन ही समझते हैं। तो ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए वन ये दोनों वैल्यू सेम है वन ये भी सेम है वन और लास्ट हमारा वन यानी वन प्लस वन एन टाइम्स दैट इज यन। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ दिखा लिया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट
यह डेल के लिखा गया है तो ये शार्ट नोटेशन है। इसका मतलब क्या होता है, यह जो डेल के होता है वो डेल बाई डेल एक्स के, इसी को शार्ट में डेल के ऐसा डिनोट कर दिया गया है। तब ये कहा गया है कि ये पहला रिजल्ट दिखा दिया और दूसरे में यह जी आई जे जो हमारा कंटा वेरिएंट में है वो डेरिवेटिव ऑफ को वेरिएंट में जी आई जे, और फिर अगले में ये आपका जी आई जे ये पहले हो गया और ये पहले का डेरिवेटिव, यानी ये वही रूल है जो दो के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का होता है। ठीक है, ये तब आप देखो जो पहला रिजल्ट निकाले हो, पहला कि फ्रॉम रिजल्ट रिजल्ट वन जी आई जे इज इक्वल टू यन, ये निकाला गया है। अब इसी को क्या कर लो कि तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, तो जब डेरिवेटिव करोगे तो दो का प्रोडक्ट होगा और यन आपका कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लो, तब आप करोगे तो देखो ये दो का प्रोडक्ट है तो पहले को लिख लो जी आई जे डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, तो डेल बाई डेल एक्स के जी आई जे प्लस अब सेकेंड लिख लो जी आई जे डेल बाई डेल एक्स के और यह जी आई जे और यह कांस्टेंट है तो जी यही चीज आपका वहाँ दिया गया है ए जी आई जे। यदि तुम इसको लिखते दो का प्रोडक्ट है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो, तो यही चीज आपका ये आया है। और डेल बाई डेल एक्स के समझने के लिए उसका शार्ट नोटेशन है ऐसे, तो तुम वैसे लिख सकते हो, वैसे लिखो तो भी सही है। तो ये रिजल्ट हमको आ गया। तो सिंपल सवर क्या किया कि पहला जो हमारा जी आई जे और वही उसका रेसिप्रोकल टेंसर उसी का हो तो यन की बनी, इसको जिसके रिस्पेक्ट में ये पार्शियल डेरिवेटिव पूछा है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला लिखो, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा वर्क हुआ। थर्ड प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू हमको इतना दिखाना है, तो ये दिखाने के लिए हमको करना क्या हुआ, तो सबसे पहले देखो ये थर्ड ये सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, इसके लिए डेल के और यह लाग जी वैसे दिया है, इसकी मीनिंग क्या हुई कि यह डेल बाई डेल एक्स के ऑफ लाग जी ऐसा हुआ। अब जरा इसकी वैल्यू को तुम निकालो, तो ये इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, तो इस चीज को ध्यान दो, ये टर्म है जी का, ये जी का टर्म है और जी एक्स का टर्म है, तो ये लाग जी है, तो इसको क्या करो जी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करो और फिर जी को जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका कर लेंगे। तो ये वैल्यू लाग जी का करोगे तो वन बाई जी और डेल बाई डेल एक्स के ऑफ जी, इस चीज को समझा जा रहा है क्या कहा जा रहा है, ये लाग जी और यह डेल के लिखा है तो ये तो कुछ नहीं, डेल के जिस बात का नोटेशन है वो लिख दिया गया, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो यह जी का टर्म है इसलिए ये जी के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो इसको जी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो लाग जी का रिस्पेक्ट में वन बाई जी, लेकिन डिफ्रेंशिएशन जी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है तो जिसका करना है उसको फिर इसके रिस्पेक्ट में, जैसे तुम जानते हो कि e टू द पावर साइन एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तुमको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो e टू द पावर एक्स मान करके इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो यह तुम्हारा e टू द पावर साइन एक्स एक्स मान करके, लेकिन ये एक्स नहीं है इसलिए इसको फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है वो चीज हमको आ जाता है। ठीक
ठीक है, ये वही चीज यहाँ, ये आपका लाग जी है तो ये जी का टर्म है, इसलिए इसको जी के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो लाग जी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन बाई जी, लेकिन ये जी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, ये यक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो उसको इसके रिस्पेक्ट में जैसे हमने किया है तो ये वर्क आ गया। अब इसमें देखिए आपको करना ये है कि यदि ये वैल्यू रहे यह, तो इसकी वैल्यू इतना तुम लिख सकते हो, ठीक है, ये आपको लाना है यह, लेकिन इसकी वैल्यू ये आया तो ये हम ला दें तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो अब आप देखो इसको लाओ, ये अब हमको लाना है, तो ये लाने के लिए अब यह जी क्या है, जी हमारा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो है, यानी एक्चुअली जो यह आपका जी है वह जी वन वन, जी वन टू और जी वन एन, जी टू वन, जी टू टू और यह जी टू एन, और लास्ट में जी एन वन, जी एन टू से लेकर के जी एन एन, यही डिटर्मिनेंट को हम जी से डिनोट करते हैं। तो पीछे जो हम लोगों ने पहला जो टेंसर शुरू किया था, यही सारी बेसिक चीज़ें जो आगे आनी थी इसलिए वहाँ बताया गया, नहीं तो वो हमारा टेंसर के लिए उस समय कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन टेंसर का जब हम आगे यूज करते हैं तो उसमें उसका हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे यही पढ़ा है। तो देखो यह जी है, इस जी को ऐसा लिखा गया, इसको यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसकी जो वैल्यू आती है इसका डिफ्रेंशिएशन का मान पहले केवल इतने की वैल्यू लिखो, तो नाउ डेल बाई डेल एक्स के आप जी, इसका मान आपको वहां बताया गया कि जो पहला एलिमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करो इनटू को फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, ये प्लस दूसरा एलिमेंट लिखो को फैक्टर ऑफ उसका, तो ऐसे लिखोगे तो यह वैल्यू ये डेल बाई डेल एक्स के आप जी वन वन इंटू को फैक्टर आप जी वन वन प्लस डेल बाई डेल एक्स के जी वन टू इंटू को फैक्टर आप जी वन टू एंड सो वन, यही वर्क करते जाओगे, यही वर्क, और लास्ट में कहाँ तक, ये आपको लास्ट तक आना पड़ेगा, तो यह डेल बाई डेल एक्स के जी एन एन इंटू, अब देखो इंटू जो है वो दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव नहीं, इसके डेरिवेटिव के बाद इंटू है, इंटू जी को फैक्टर आप जी एन एन, ये हमारा फार्मूला होता है, यानी इसे जी की वैल्यू ये है और इसका डेरिवेटिव का फार्मूला है, पहले का डेरिवेटिव करो और इसके को फैक्टर से इसमें प्रोडक्ट कर दो, फिर प्लस दूसरे एलिमेंट का डेरिवेटिव करो और उसके को फैक्टर में से इसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट करो, एंड सो ऑन, ये हम इसका करेंगे, फिर इसका इस लास्ट में इसका डेरिवेटिव और को फैक्टर आप जी एन ए, ऐसा हो गया। अब आप क्या कर लो कि इसी को शार्ट में यदि लिखना चाहो तब तुम लिख सकते हो, यू आर डेल बाई डेल एक्स के आप जी आई जे और इन टू को फैक्टर आप जी आई जे, ये चीज देखो क्या लिखा गया। अब यही आई को रो के टर्म में और जे को कालम के टर्म में वन से यन तक बड़ी करो तो ये ऊपर वाला सब आ जाएगा, जैसे पहला रो और तो जी वन वन इसका के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और यह जी वन वन तो ये भी हमारा जी वन वन को फैक्टर आप जी वन वन, फिर पहले रो का दूसरा कालम तो जी वन टू ये को फैक्टर आप जो यहाँ है वही, इस तरह से करते जाओगे तो हमारा जब यह एन एथ फर्स्ट रो का
फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, nth कॉलम, फिर सेकंड, ये बीच में सब डॉट डॉट है, तो सबके आए हुए, इसी को शॉर्ट में हम लिखेंगे तो ऐसा आ गया। तो ये हमको मिला डेल बाई डेल एक्स के ऑफ जी, ये हमारा जी का जो डिफरेंशिएशन है वो यह आया। अब आप देखोगे कि इस जी आई जे आपको जो रिजल्ट लाना है, अब थोड़ा सा जो लाना है उस पर भी देखो, यहाँ से यह डेल बाई डेल के है और यह जी आई जे है, तो ये वैल्यू आपका डेल बाई डेल एक्स के जी आई जे, ये वैल्यू सेम है, वही है आपका। अब ये इसके साथ जो आया वो हमारा रेसिप्रोकल टेंशन है, तो रेसिप्रोकल टेंशन है तो देखो ये यहाँ से इसको लिख लो, तो हम ये जानते हैं कि जी आई जे जो रेसिप्रोकल टेंसर होगा उसकी वैल्यू को फैक्टर ऑफ जी आई जे अपान द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अभी हम लोगों ने किया इसको, ठीक है ये। तब आप देखो ये जो को फैक्टर ऑफ जी आई जे है इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो ये निकालोगे तो यह जी कंटावेरियंट में जी आई जे, तो दिस इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स के और यह जी आई जे इंटू इसकी वैल्यू क्या आया जी जी आई जे। अब तुमको यहां जो लाना है वो सिर्फ जी आई जे का के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इंटू जी आई जे। अब देखो यह जी आई जे पहले इसलिए लिखा है कि ये भ्रम ना हो कि यहाँ जब रहेगा तो कहीं दोनों के प्रोडक्ट का तो डेरिवेटिव नहीं, इस भ्रम को दूर करने के लिए पहले कर दिया है, तो इसीलिए हमने भी यहाँ ब्रैकेट किया है कि केवल डेरिवेटिव इतने का ये प्रोडक्ट भी। तब तुम इस जी को इधर लाओ तो ये आ गया आपका वन बाई जी और वन बाई जी और यह डेल जी अपान डेल एक्स के। अब इसको हम पहले इससे इसलिए लिख दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का ब्राउन हो, तो यह जी आई जे और यह डेल बाई डेल एक्स के आ जी आई जे, और यही चीज ये जो आया है हम इसकी वैल्यू इतना लिख सकते हैं। तो इसको यदि तुम मान लो वन और ये इसको तुम मान लो, यहाँ से लिखो सिंस ये इसको यदि हम टू लिखें तो ये जो वैल्यू आया है यह फ्रॉम टू, ये जो लिखा गया है इस टू से लिखा गया फ्रॉम टू, अब तब यह वैल्यू, अब इसकी वैल्यू फ्रॉम वन से हम ऐसा लिख सकते हैं, तो या दिस इंप्लाई डेल बाई डेल एक्स के लॉग जी इज इक्वल टू जी आई जे डेल जी आई जे अपान डेल एक्स के, और यही रिजल्ट हमको दिखाना है, ठीक है। इसी में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जैसे ये वैल्यू जी आई जे डेल ए यह वैल्यू सेकेंड से, इसी को जब इधर ले जाओगे तो जब यह जी आई जे कंटा पर्यंत प्रोडक्ट को पर्यंत में तो इसकी वैल्यू ही आई, तो तुमको यदि इसकी वैल्यू इतना पूछ सकता है या इसकी वैल्यू यह भी पूछ सकता है माइनस जी आई जे डेल के जी आई जे, ये सेकेंडरी रिजल्ट से आ गया, ठीक है ये। तो इसी को हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू तो हमने किया आर डेल बाई डेल एक्स के और लॉग जी, और इसकी जो वैल्यू आ गया अब यह माइनस जी आई जे माइनस जी आई जे और डेल बाई डेल एक्स के जी आई जे, ये कहाँ से आया फ्रॉम रिजल्ट टू, तो फ्रॉम रिजल्ट रिजल्ट टू, ये सेकेंड रिजल्ट से ये हमको मिल गया। तो यदि उसको पूछेगा तो लिखेंगे, नहीं पूछेगा तो हमारा जो है देख लो एक राउंड क्या किया गया, हमको दिखाना है यह डेल के लिखा है इसका मतलब डेल बाई डेल एक्स के आप लाग जी इसकी वैल्यू यह दिखाना है, तो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो, तो हमारा यह डेल बाई डेल एक्स के आप लाग जी, तो इसको तुम ये एक्स के रिस्पेक्ट में
डेरिवेटिव और ये जी का टर्म है, इसलिए जी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और जी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके प्रोडक्ट करो, तो लॉग जी का 1 बाई जी और डेल बाई डेल एक्स के ऑफ जी। अब हम ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं यदि इतना वैल्यू रहे तो इसको हम यह लिख सकते हैं, इसको हमने 1 ले लिया। अब इससे तुम आओ, अब यह जी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो जो जी होता है वही हमारा डिटर्मिनेंट होता है। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो पहले को डेरिवेटिव करो इनटू उसका को फैक्टर, प्लस दूसरे को डेरिवेटिव करो इनटू उसका को फैक्टर, ये यनवे को डेरिवेटिव करो इनटू उसका को फैक्टर, वैसे इसके सारे एलिमेंट के साथ प्रत्येक को डेरिवेटिव और इनटू उसका को फैक्टर, ऐसा हम लिखते गए। ये डेरिवेटिव का फार्मूला है। अब हम इसी को शॉर्ट में यदि लिखना चाहें तो हम एक जनरल एलिमेंट आयथ रो जेथ कालम का लिया और उसको डेरिवेटिव किया, जिसको डेरिवेटिव किए उसी के को फैक्टर से प्रोडक्ट, तो ऐसा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमको ये को फैक्टर के टर्म में हमने इसकी वैल्यू को हम यहाँ निकाले, लेकिन हमको दिखाना है यह, तो यह दिखाने के लिए हमको को फैक्टर नहीं चाहिए, हमारे पास यहाँ को फैक्टर है और हमको यहाँ ये जो चाहिए वो ये जी आई जे यहाँ रेसिप्रोकल में है, ये रेसिप्रोकल टेंसर है, ये जिस एलिमेंट का डेरिवेटिव उसी का रेसिप्रोकल, तो हमारे पास यह इस एलिमेंट का डेरिवेटिव तो है लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं आया, तो इसका रेसिप्रोकल डिफाइन करो। क्यों? क्योंकि हमको रेसिप्रोकल लाना है, तो इसका रेसिप्रोकल इसी एलिमेंट का को फैक्टर अपॉन जी अभी हम लोग ने किया है, अब यहीं से इस को फैक्टर को रेसिप्रोकल में बदल दो। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हमको टर्म रेसिप्रोकल में लाना है, तब यहाँ से इस को फैक्टर नहीं चाहिए तो यह जी इंटू जी आई जे ऐसा कर लिया। अब इस जी को इधर लाओ तो 1 बाई जी और इधर यह जी आई जे और यह डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, अब इसी को हम पहले कर चुके हैं कि ये हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू को लिख लिया हमारा रिजल्ट।